एक साथ सावधान विश्रम। अभी अपने को क्या करना है, देखो ये फायर एक्सटिंग्विशर, इसको लेके हमको क्या करना, दौड़ना होता है बराबर, आग 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 करके, और फिर बाद में ये पुल द सेफ्टी पिन और एम द बेस ऑफ फायर, और फिर बाद में स्क्वीज द लीवर, स्विच करके इसको बुझाना है। आग 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 आग। अगर हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर से आग नहीं बुझता है तभी हमको क्या करना है, ये कैनवास होस पाइप है, क्या है, कैनवास होस पाइप, इससे हम लोग आग बुझा सकते हैं। बड़ी आग जब भी लगती है तब हम इससे बुझाते हैं। ये मेल कपलिंग बोलते हैं और इसको फीमेल कपलिंग बोलते हैं। हमको फीमेल कपलिंग को या ये मेल कपलिंग, ये मेल कपलिंग इस फीमेल कपलिंग के अंदर जाएगा, इसको हमको निकालना, ये पाइप को निकाल लो, ठीक है। अब इस पाइप को ये मेल कपलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेल कपलिंग। आप ये इस मेल कपलिंग को इसको अटैच कर लो, ये लक्स बोलते हैं इसको, कर लो अटैच। आप थोड़ी जाते हैं, हाँ डाल दो, अंदर डाल दो, हाँ ये डालने के बाद ये लॉक हो जाता है, लक्स का काम है लॉक करना, बराबर। अभी हम क्या करेंगे, ये ब्रांच पाइप ले लो, इसको हम लोग इस तरह से हम लोग कैनवास पाइप को पकड़ेंगे, ये मेल का फीमेल कपलिंग को पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे हम लोग इसको लेके जाएंगे। ये फीमेल कपलिंग है और ये ब्रांच पाइप है, इस ब्रांच पाइप को इस फीमेल कपलिंग के यहाँ पे इसमें इस तरह से डालना, इनको जगह दे दो आ जाने को, नहीं तो वॉल ओपन कर देंगे, वॉल अच्छे से करें, एकदम स्पीड करो, ठीक है। आप समझ गए ना इसको किस तरह से ऑपरेट करना है, फीमेल कपलिंग को, ब्रांच पाइप को, और निकालने के टाइम इस तरह से हम लोग निकालेंगे दम, और डालने के टाइम अभी वहाँ से प्रेशर चालू करो, देखो मस्ती इस तरह से। अभी हमको पकड़ना कैसे, इस तरह से पकड़ना है हमको और आग बुझाना, देख सकते हो, हाँ आग 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 एक ही करना सगन जा हाथ हम लोग एक सुरक्षा रक्षक है, क्या है, हम लोग एक सुरक्षा रक्षक सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कैसा होता है, जान, उसका काम क्या है, जान की रक्षा करना,
माल की रक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना, चाहे दिन हो या चाहे रात हो। हमारी ड्यूटी कैसे रहेगी, कैसे रहेगी? पहरेदारी जैसे रहेगी। हर काम मुश्किल होगा मगर काम करने के लिए काम चुकार नहीं करना चाहिए हमको, समझ गए? हमेशा हमारा गेट बंद रहेगा, जो खुला है अभी दिख रहा है आपको, जो अभी गेट खुला है वो हमेशा बंद रहेगा। मेरा काम रहेगा गेट खोलना और बंद करना, मेरा काम होगा। मैं एक जगह पे बैठे नहीं रहूँगा, अगर बैठे रहा तो पीछे से क्या होगा, तो पीछे से कोई सामान चोरी करके लेके जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। सिक्योरिटी गार्ड का काम है, किस तरह से काम करोगे आप? जान की रक्षा करना, माल की रक्षा करना, सबका सम्मान भी करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग काम? ईगल आई यानी चील की आंखों की तरह से हमको देखो। जब चिड़िया दिख रहा है आपको, कैसे देख रहा है वो? उसका गर्दन देखो कैसा घूम रहा है, दाएं घूम रहा है, बाएं घूम रहा है, पीछे भी घूम रहा है, देख रहा है वो सब जगह पे। उसके जैसा हमको ड्यूटी करना है, क्या करना है हमको? उसके जैसा ड्यूटी करना है। देखो उसका मूवमेंट कितना है, यहाँ पे भी देखा उसने, वहाँ पे भी देखा, निगरानी कर रहा है। इस तरह से चोर निगरानी करता है हमको देख के कि बाबा ये देखो अभी ये बैठ गया, आराम से बैठ गया, अभी बैठे बैठे सो जाएगा, फिर मैं उसका सामान चोरी करूँगा। ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखना है, सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा ध्यान में रखना है ये चीज़ें कि हमको दाएं देखना है, बाएं देखना है, आगे देखना है और पीछे भी देखना है। और चारों तरफ देखने के बाद अगर कोई संदिग्ध आदमी दिखाई देता है उसी वक्त उसको रोकना है हमको। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास उसके लिए क्या होना चाहिए? करेजियस होना चाहिए, सिर्फ और करेजियस, धाड़स करना है। अगर हम लोग धाड़स नहीं करेंगे तो हम लोग एक सुरक्षा रक्षक नहीं कहलाएंगे और यहाँ पे चोरी हो सकती है, कोई भी हमारे पीठ पीछे हमारा सामान चोरी करके लेके जा सकता है। अभी माहौल इतना ख़राब है, किसी के पास काम नहीं है, बराबर है? तो लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ का सामान उठा के बेच देते और अपना गुजारा करते हैं। तो इसके लिए हमको इसलिए नहीं रखा है ताकि हम आराम से बैठ जाए। यहाँ पे काम मिलने के बाद लोगों को काम नहीं मिलता है, काम मिलने के बाद हमको काम हमको करना है, सुरक्षा करना है, और वो भी पहरेदारी जैसे ड्यूटी करना। जैसे कि हमको कोई गोली मार देगा पीछे से आके, तो हमको क्या करना चाहिए? पीछे से आके उनको पीछे से रोकना चाहिए, ऐसे रुक जाइए, रुक जाइए। जैसे हमको हमारा काम है, वहाँ से गाड़ी आ रही है तो आने दो, उनको जगह दिखाओ, लेफ्ट राइट जो भी है, समझ गए? अभी आप आ सकते हो। तो ये चीज़ें हम लोग ने क्या किया, हमने क्या किया कि मैंने रास्ता दिखाया, मैंने सामने वाला अगर कोई आता है तो उसको रोका भी है। तो ये काम हमने किया, करने के बाद हुआ। अगर ये नॉर्मल अगर नहीं करते तो भी कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, मगर मेरा काम क्या है, सुरक्षा करना। वहाँ से गाड़ी आ रही है और वहाँ से आदमी आ रहे, फट करके अगर फिसल गया और उनका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चीज़ों को काम करना सीखो, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही रहो, समझ गए? तो ये चीज़ें क्या करती है, दिखलाती है कि यहाँ पे सुरक्षा रक्षक है, वो काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम कर रहा है। मैंने रोकने के बाद वो रोके नहीं क्या, रुके गए ना, वहाँ से गाड़ी आई है तो उनको जाने को मैंने जगह बनाई, बराबर कि नहीं? उनको यहाँ पे अगर पानी फैला है तो हमने क्या किया, उसको गाड़ी को रोक दिया, आराम से आ जाइए। ये सब करके हमने हमारा काम करना है हमको, ऐसा नहीं कि हमको बस खड़े रहना है वहाँ पे। अगर कोई काम नहीं है, गेट से कोई भी अंदर आए तो है, रोज का आदमी है जा रहा है, मगर उनके लिए गेट खोलना, उनके लिए गेट बंद करना हमारा काम होगा। हमारा काम ये नहीं है कि चेयर पे जाके बैठ जाना, आराम से बैठ जाना, या लिखने का काम करना, लिखने का काम करना चाहिए मगर तुरंत लिख के हमको हमारी गेट पकड़ के रखना, हमको गेट पकड़ के किसको अंदर लेना है किसको नहीं लेना है ये हम तय करेंगे, उसके बाद में हम गेट खोलेंगे, नहीं तो गेट बंद ही रहेगा, समझ गए? सिक्योरिटी का काम है जांच पड़ताल करना, उसके बाद में उनको अंदर लाना। ऐसा ही हम किसी को अंदर छोड़ते तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। हमारी ड्यूटी कहाँ पे है, सिर्फ गेट पे। हम किसी को अगर भेजते हैं तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, किसी को हम लोग भेजते हैं तो कहीं पे भी अगर गलत आदमी है तो गलत काम कर सकता है। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, जांच पड़ताल करने के बाद उनको छोड़ना चाहिए।
ना कि ऐसा ना हो कि गेट छोड़ के हम लोग अंदर जाके बैठ जाएंगे और कोई भी थोड़ा सा गेट हम लोग खोलेंगे और कोई भी अंदर आओ कोई भी अंदर बाहर जाओ। दूध वाला आता है, इसका मतलब नहीं है कि मेरे को बार बार खोलना पड़ता है। तो ये कष्ट करना हमारा काम है, कष्ट करना, कष्ट से भागना हमारा काम नहीं है। गेट खोल के रखने, कोई भी अंदर आओ कोई भी जाओ, ये तो हमारा रोज का है। मगर उसी में अगर कोई चोर आ जाता है तो किसी को रोकना, किसी को अंदर लेना, ये हमारा काम है, हमारा तय करना काम है। ऐसा नहीं कि हम बस खोलते रहेंगे और कोई भी आए और कोई भी जाए, ये होना नहीं चाहिए। जो इस बिल्डिंग की प्रीमाइसेस ने बताया आपको ये काम करना है तो वो काम करना है।